माने सभापति जी, उपसभापति जी, जिस तरह से सभापति जी द्वारा, अध्यक्ष जी द्वारा इस सदन को डिजिटल करने के प्रयास किए जा रहे हैं और वो प्रयास भी अच्छे हैं, और जिस तरह से ये इक्विपमेंट लगाए गए हैं, यदि कोई इक्विपमेंट ऐसा मिल जाए जो असत्य को पकड़ता हो तो वो भी इस विधानसभा के अंदर लगा दिया जाए। इसलिए लगा दिया जाए कि मैं दावे से कह सकता हूं कि अगर वो इक्विपमेंट लगा दिया गया तो हमारी सरकार 100% उस इक्विपमेंट से पकड़ी जाएगी, क्योंकि ये जो विदन डॉक्यूमेंट्स है राज्यपाल महोदय, श्री राज्यपाल महोदय का, ये 100% एसएलसीए का पिटारा है। इसके अंदर इन्होंने कहा कि हम लोगों ने 1,61,00,000 युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार उपलब्ध कराने का काम किया। 403 विधानसभाएं हैं, अगर इसको हम लोग डिवाइड कर देंगे तो मैं दावे से कह सकता हूं कि एक एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर 25-25 लाख नौजवानों को रोजगार मिल गया होगा। यहां हमारे 2,000 मिल गया होगा, 3 मिल गया होगा, 4 मिल गया होगा, आप डिवाइड कर लिए 403 को डिवाइड कर लीजिए, कमाल 35,000, कमाल जी एक बार और डिवीजन करिए, 35,000 मिल गया होगा। अधिष्ठाता महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एक क्षेत्र में इस 5 साल की पिछली सरकार के अंदर किसी गरीब आदमी को रोजगार नहीं मिला, बल्कि रोजाना अखबार उठाओ तो मिलता है कि किसी नौजवान ने कहीं आत्महत्या कर ली, कहीं पर कोई नौजवान फांसी खाकर मर गया, सिर्फ कारण क्या कि सरकार के पास रोजगार के कोई साधन नहीं है। और एक नया सेंटर ऑफ मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी ने एक आंकड़ा दिया है कि पहले 2016 में जो है बेरोजगारी की दर 18% थी, और इन्होंने चमत्कार कर दिया और चमत्कार कर उस बेरोजगारी की दर को 2% कर दिया। महान है आप। मैं साथी, और दूसरी चीज आपसे माने अध्यक्ष जी, अधिष्ठाता महोदय, इन्होंने कहा कि हम लोगों ने हर जनपद के अंदर मेडिकल कॉलेज बनाने का काम किया, और हम लोग मेडिकल कॉलेज बनाने की स्कीम गवर्नमेंट लेकर आई। इतने जनपद हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज नहीं। मैं मुरादाबाद मंडल से आता हूं, मुरादाबाद मेडिकल, इतना बड़ा मुरादाबाद है, कोई एक मेडिकल कॉलेज नहीं। संबल है, वहां मेडिकल कॉलेज नहीं। बिजनौर का नाम है, अभी बजट आया, उसके अंदर भी सुविधा नहीं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कोरोना के अंदर जो सरकार अपना पीठ थपथपाने का काम कर रही है और कह रही है कि हमने 80 करोड़ को हिंदुस्तान के अंदर राशन फ्री देने का काम कर दिया, हम लोग 18 करोड़ को दे रहे हैं, लेकिन आप लोगों को मालूम नहीं, खाद्य सुरक्षा अधिनियम समाजवादी पार्टी की सरकार में 2 रुपए किलो गेहूं और 3 रुपए किलो चावल उस अखिलेश यादव जी की सरकार में लागू करने का काम किया था, और तब से हम लोग दे रहे हैं। और आप याद करो, लाखों लाखों की तादाद में मजदूर आ रहे थे कोरोना काल के अंदर, उनके पास ना बसें थी, ना साधन थे, लॉकडाउन लगा हुआ था, ना खाने के लिए था। एक हमारे माननीय सदस्य कह रहे थे कि सरकार ने उनकी बहुत मदद की, अकेले समाजवादी पार्टी के लोग थे जो लोग खड़े होकर लोगों की मदद कर रहे थे, ऑक्सीजन उपलब्ध करा रहे थे, ऑक्सीजन नहीं था कहीं पर, कहीं नहीं थे, और लॉकडाउन के अंदर इनके पास ना देने के लिए राशन था, ना बसें थी, ना रेलें थी, देने के लिए कुछ था, तो लॉकडाउन के मुकदमे थे जो आपने अपना मुंह साफ करने के लिए बाद में उन्हें वापस करने का काम किया। मैं अधिष्ठाता महोदय, माननीय ऊर्जा मंत्री जी, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं, अभी हमारे बीजेपी के लोग बहुत पीठ थपथपाते हैं कि गुंडा माफिया चोर चपारी छनैती खत्म, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान जरूर आकर्षित कराऊंगा इस की माध्यम से कि अगर आज एक नया रूप कहीं पे लिया है, अगर उत्तर प्रदेश की हमारे सत्ता पक्ष के साथी बैठे हैं, ये जरूर मेरी बात को स्वीकार करेंगे, वो बात अलग है कि सत्ता की बेड़ियों में बंधकर उसे स्वीकार ना करें, लेकिन अगर आज पुलिस प्रशासन के बाद
अगर सबसे ज्यादा लूट और सबसे ज्यादा करप्शन और सबसे ज्यादा उत्पीड़न अगर किसी विभाग ने मचाया हुआ है तो उस विभाग का नाम है बिजली विभाग। वो इसलिए है, आप जरूर अभी एक साथी ने हमारे कहा था कि अपने लोगों से कहिए चोरी रोके। भैया ठीक है, अगर हम लोगों को चोरी रोकनी है तो आपको तो मंत्री जी ने खुली छूट दे रखी चोरी करने की। आप भी तो कहते हो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो आप लोग चेकिंग करो ना, जो चोर है चोर कोई भी है, सत्ता करने वाला चोरी कर रहा है या विपक्ष वाला चोरी कर रहा, हिंदू चोरी कर रहा, मुसलमान कर रहा, सिख कर रहा, उसके खिलाफ कार्रवाई। कमाल जी, विभाग के सारे कर्मचारियों सारे अधिकारियों की निष्ठा पे प्रश्न खड़ा करना ये सर्वथा अनुचित है, और मैं इस सदन के मार्फत आपके मार्फत मैं अपने साथी सदस्य का इस बार इस तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। दूसरी बात कि जब आप प्लाट कब्जा करके मकान बनाओगे तो स्वाभाविक है कि नियम से बिजली नहीं मिलती है, तो आप इधर उधर से बिजली लेते हो, और जब बिजली इधर उधर से ली जाती है बिजली के कर्मचारी जब पहुंचते हैं तो आप कमाल जी कमाल जी माननीय मंत्री जी चलो कमाल जी अपनी बात, कमाल जी बस हो गई बात, उन्होंने कहा हो गई बात हो गई बात, कमाल जी अपनी बात बोल रहे मनोज जी ना हो गई, माननीय मंत्री जी ने अपनी बात कह दिया, कमाल जी चल मेरा आग्रह है कि बस अभिभाषण पर अपनी बात करके समय पे समाप्त। मान्यवर मैं माननीय मंत्री पूरे विभाग की प्रतिष्ठा पे कोई प्रश्न नहीं। कमाल जी मेरा आग्रह है कि अब इस पर माननीय मंत्री जी की तरह मुखातिब होने के बजाय अपनी बात कहें। मेरा अधिष्ठाता महोदय मेरा इतना कहना है कि जिस तरह से चेकिंग के नाम पर भय फैलाया जा रहा, मैं चोरी का कोई हमदर्द नहीं हूँ, चोरों का हमदर्द नहीं है, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जो चोर है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, होगी हो रही, गरीबों के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज, जहां तक सवाल है किसानों का, अभी मंत्री जी बैठे थे बड़े गुस्सा हो रहे थे, माननीय मंत्री जी हमारे गन्ना मंत्री जी थे, जिस तरह से रोजगार में ये लोग आंकड़े नहीं बताते उसी तरह से ये तो बताते हैं कि हम लोगों ने भुगतान कर दिया, ये नहीं बताते कितना बकाया रह गया। 500 करोड़ का भुगतान कर दिया लेकिन 900 करोड़ का भुगतान बकाया वो नहीं बताएंगे। नहीं, जितना बकाया उसमें कितना भुगतान कर दिया हो गया। 14 मैं कह रहा हूँ उत्तर प्रदेश की एक चीनी मिल ऐसी नहीं है जिसपे गरीब किसानों का बकाया नहीं हो, लेकिन इसके अंदर कहा कि हमने भुगतान नहीं कर दिया, हमने भुगतान कर दिया लोगों का। चल समय पूरा हो गया, किसान सम्मान निधि वाली बात है। मैं कहूंगा कि आज लोगों को अच्छे इलाज की जरूरत है, सरकार ने भी कहा कि वो इलाज कराना चाहती है, मेरा इतना बड़ा मंडल है, मैं अनुरोध करूंगा कि मुरादाबाद के अंदर कांट विधानसभा के अंदर मेडिकल कॉलेज की स्थापना होनी चाहिए। मेरा अनुरोध है कि एक शिक्षा, खुद सरकार चाहती है कि लोगों को शिक्षित बनाए, एक बड़ा डिग्री यूनिवर्सिटी हमारे यहाँ पर है, लाखों लाखों रुपए की फीस है, गरीब आदमी अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता। मेरा क्षेत्र के अंदर एक प्राइवेट राजकीय डिग्री कॉलेज या प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई जाए, 6 यूनिवर्सिटी बना रही है। इस तरह मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा कि एक पूरा खदरी का क्षेत्र है और पूरी रामगंगा बहती है मेरे क्षेत्र के अंदर, रामगंगा के ऊपर चिरागी के ऊपर एक प्लेटून पुल बनाया जाए और 33 KV का बिजली घर बनाकर उस खदरी क्षेत्र के लिए बिजली की व्यवस्था की जाए। आपने मुझे धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कमल श्री महेंद्र पाल जी। एक शेर मेरा रह गया सर, एक शेर ये रहेगा, पहले एक कहानी थी, एक शेर हुआ करता था राम राम जपना पराया माल अपना, अब कहानी उल्टी हो गई, राम राम जपना दूसरे का काम अपना, जैसे हमारे काम अपने आप की सरकार बता रही है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।